दोस्तों सब्सक्राइब करो भंडार टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। गले का कालापन हटाने का ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि आपको देगा बहुत ही कमाल के असर। नमस्कार दोस्तों, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर चीजें इस्तेमाल करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हाइट पर वीडियो पाना चाहते हैं वो नीचे कमेंट करें, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे हाइट पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट आ रहे हैं और अगर मुझे लगेगा कि नहीं ज्यादा लोग उस पर वीडियो पाना चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने गले का कालापन हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए होंगी कुछ चीजें, जिसमें से सबसे पहली चीज है कॉफी और इसके इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने गले का कालापन हटा सकते हैं और कैसे कैसे आपको चीजें इस्तेमाल करनी वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से कॉफी आधा चम्मच इस पर पेट डालना है और उसके बाद आपको यहां पर चाहिए होगा शहद, जिसकी मात्रा कुछ इतनी रहेगी जो कि है लगभग आधा चम्मच। इन दोनों को पहले अच्छी तरीके से मिलाएं और इस रेमेडी को अच्छी तरीके से पहले बनाएं। अब इसके बाद आपको इस रेमेडी को रखनी है साइड में और उसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक नींबू और आपको इसे कुछ इस प्रकार से काटना होगा और इसका जो बीजा रहता है, बीज का बीज, उसे आपको निकाल लेना है। अब ये हमने नींबू काट लिया, अब इसको आपको क्या करना है कि ये जो हाफ पीस आपका बचा है इसे आपको अपने गले पर लगाना है और 15-20 मिनट के बाद गले को धोना है। उसके बाद आपको इस रेमेडी को इस प्रकार से लेना है और इस पर इस प्रकार से जो ये नींबू है इसे इस प्रकार से इस पर पूरा लगाना होगा और ये जो रेमेडी है इसे फिर आपको अपने गले पर लगानी होगी और इसे इस प्रकार से इस्तेमाल करने से आपको मिलेंगे कमाल के फायदे, ये दावा मेरा है। क्योंकि दोस्तों यहां ऐसी चीजें हमने इस्तेमाल की है जिसका रिजल्ट मिलता है कमाल का। आपको बस करना होगा ये कि आपको चाहिए होगी ये तीन चीजें और आपको अपने गले पर करना होगा इसका इस्तेमाल और मिलेंगे आपको बहुत ही कमाल के फायदे कम समय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियोस पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।